हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें सबसे पहले हमें दे रखा है एनर्जी ट्रांसफर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पॉइंट ए जो है वो बैटरी के आपके है ना पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, वाइल आपका जो पॉइंट बी है वो आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए पॉइंट ए आपका यहाँ पर हायर पोटेंशियल पे कंसिडर किया जाएगा, वाइल आपका पॉइंट बी जो है लोअर पोटेंशियल पे कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग आपको ये याद रखना है कि मान लेते हैं आपके पास कोई चार्ज है ना, वो क्या कर रहा है इसके अंदर सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, कहाँ से कहाँ, ए से बी फ्लो कर रहा है, राइट। अच्छा, तो होगा क्या कि अगर वो चार्ज फ्लो कर रहा है तो यानी उसके ऊपर कुछ वर्क डन हुआ है, और वर्क डन होने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और सर्किट के अंदर यह एनर्जी किसकी मदद से आता है, वो आपके सेल की मदद से आता है। सेल जो है ना उस चार्ज को क्या करता है, एनर्जी कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम एक फार्मूला लिख सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, और इसको सिंपली आप V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q भी लिख सकते हो, राइट। ओके, नाउ लेट अस डिराइव वन रिलेशनशिप बिटवीन दिस, है ना। मान लेते हैं आपके पास जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है, राइट, इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है उसका फार्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी जो है वो आपका किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल है। देयरफॉर हम इसको क्या लिखते हैं, W अपॉन T। ठीक, नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन आप यहाँ से है ना W का वैल्यू निकाल सकते हो, इस Q को वहाँ सेंड कर दो, तो यू विल गेट W इज इक्वल्स टू V इंटू Q, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। नाउ Q अपॉन T को आप आगे जाके करेंट लिखते हो, ठीक है। तो आपका इन शॉर्ट फार्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल्स टू V इंटू I। ठीक है, ये आपका एक पावर का फार्मूला है। नौ यहाँ पे ध्यान दो कि अगर ये जो आपका सर्किट था है ना, अगर इसमें चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो करेगा है ना, तो क्या होगा कि ये जो सर्किट है वो हीट हो जाता है। तो लेट अस डिराइव वन मोर इक्वेशन, है ना, आपको पता होना चाहिए कि हीट जो होता है वो होता है पावर इनटू टाइम के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप पावर का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी। ठीक है, ये रिलेशन बन रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें क्या पता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। आप V का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर सकते हो, सो यू विल इन शॉर्ट गेट H इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आई इंटू टी। आई इंटू आई आगे जाके आपका आई स्क्वायर बन जाएगा, एंड दिस रिलेशन इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। नाउ पावर का फॉर्मूला हमें पता है V इंटू आई के इक्वल होता है ना, जस्ट ना अभी हमने यहाँ डिराइव किया था। और V जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और I जो होता है वो आपका करेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और वोल्ट इनटू एम्पियर को हम क्या किससे रिप्लेस कर देते हैं, वाट से रिप्लेस कर देते हैं। दस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।